हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सामने तुम्हारे तुम देख ही सकते हो इग्नू की डेट शीट आई हुई है, टेंटेटिव डेट शीट फॉर दिसंबर एग्ज़ाम्स। लेकिन अगर तुम लोग भी परेशान हो चुके हो कि इग्नू की जो डेट शीट है वो इतनी बड़ी है, काफ़ी पेजेस की है, तो उसमें अपने सब्जेक्ट ढूंढ ढूंढ के अगर परेशान हो चुके हो तो टेंशन नहीं लेनी है। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि इतनी बड़ी डेट शीट में अपने सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढोगे। और दो टॉपिक और हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं। एक होगा कि आपके प्रैक्टिकल्स के बारे में, और दूसरा टॉपिक होने वाला है कि अगर आपने स्टडी नहीं करी है अभी तक और एग्ज़ाम में भी बैठना है, तो एग्ज़ाम में थोड़ा पढ़ के भी आप ज़्यादा कैसे मतलब पास, इवन एटलीस्ट पास हो सकते हो। तो इन दो टॉपिक पर, तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम डेट शीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपके सामने डेट शीट है दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम्स की ऑफिशियल डेट शीट है, जो कि एक टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि अभी ये फाइनल डेट शीट नहीं है, इसमें अभी चेंजेस होते रहेंगे। और ये भी रिवाइज डेट शीट है, ये 4 सितंबर को रिलीज़ करी है इग्नू ने, तो जिसे आप इग्नू की मेन वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। वो लिंक मैं दे दूँगी आप, तो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये वाली डेट शीट आ जाएगी, जिसमें आप लोगों को देखेंगे तो इग्नू के साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म भी ओपन कर दिया, आपको पता ही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फिल नहीं किया है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली सबमिट कर देना, एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो अभी तक 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट दी हुई है विदाउट लेट फीस। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना। कहने का मतलब ये है कि 15 अक्टूबर तक आपको कोई लेट फीस चार्जेस नहीं देने हैं, जिसे आप अभी इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, अभी टाइम है। तो अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आपने जो जितने भी एग्ज़ाम देने हैं दिसंबर में, जो भी आपके कोर्सेज हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये भी जानना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, अगर ये सब जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें बात की है कि दिसंबर 2024 टर्म एग्जामिनेशन कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, उसे आप देख लेना। अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है उसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में। मेनली उस वीडियो में ये है कि आपको ये देखना है कि आप फॉर्म तो भर रहे हो, बट ये भी चेक कर लेना कि क्या आप एलिजिबल हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। यही ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही अपना ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, ओके। अब अगर मैं बात करूँ डेट शीट की, तो ये अपने आप में ही बहुत मतलब मगजमारी वाली बात है कि जैसे बस जैसे रेत के ढेर में से कुछ सुई ढूंढनी होती है ना, बिल्कुल वही वाली बात है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैम अपने सब्जेक्ट को ढूंढने में कैसे ढूंढूँ, या कई बार मिलते भी नहीं हैं, या कई बार क्या कई स्टूडेंट का सिंपल सा ये होता है कि वो लोग मतलब तुम ही लोग जो है वो मैसेज कर देते हो कि हमारी ये कोर्सेज, हम अपनी डेट शीट मतलब मैं तुमको अलग अलग इंडिविजुअली डेट शीट प्रोवाइड करा दूँ। तो ये तो देखो पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं हो पाएगा कि मैं हर एक टेस्ट का मैसेज देखूँ, और फिर मैसेज का रिप्लाई करना मैं पूरी कोशिश रहती है कि मैं रिप्लाई कर दूं, लेकिन डेट शीट लिखूं फिर मैं उसको मैसेज का आंसर कर पाऊं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर अब समस्या ये है कि प्रोग्राम वाइज डेट्स यहाँ पर नहीं मिलती हैं जो डेट शीट होती है ना, क्योंकि यहाँ पर डेट वाइज होता है। अब जैसे 10th को है, फिर 11th को है, आपके एग्ज़ाम्स हैं 12th को, तो ऐसे में आप इतने सारे सब्जेक्ट्स के होते हुए अपनी डेट शीट कैसे ढूंढोगे। लिस्ट बहुत लंबी है, डेट शीट भी काफ़ी पड़ी है, आई थिंक 11 बनों की डेट शीट है, तो इसमें ढूंढ पाना मतलब प्रॉब्लमेटिक तो है, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और टाइम अगर सेव कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो इसी टॉपिक पर तो बात होने वाली है ना, तो बात करते हैं अपडेट के बारे में। इग्नू ने आपकी दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए डेट शीट अपडेट कर दी है, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अगर आप इस वाले डेट शीट में देखना चाहोगे तो आपको आप मतलब अपने कोर्स वाइज तो नहीं ढूंढ सकते हो यहाँ पे सीधा डेट के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है कि 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में, ये टाइमिंग दी हुई है, फिर 3 को है, फिर 4 को है, 5 को है,
तो जो मॉर्निंग सेशन के हैं और जो इवनिंग सेशन के, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट वाइज और अपने कोर्स वाइज कैसे ढूंढ सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ, उस पर आप चेक कर लेना। पहले चेक करके देख लेते हैं। अब ये जो लिंक है ये मैंने ओपन कर दिया है। इस ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट शीट 4 दिसंबर 2022। तो इसको इग्नोर कर देना, इसकी तरफ ध्यान मत देना। लेकिन हमें सिलेक्ट करना है अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम सिलेक्ट, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है, सिलेक्ट प्रोग्राम में जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपका बीएजी वाला, बीएजी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना बीएजी पे, तो बीएजी के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना, पहले अभी जो मैंने डेट शीट में दिखाया था आपको, यहाँ पे देख सकते हो 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर 3 को है, फिर 4 को है, सेम इन द सेम। यहाँ भी देख सकते हो बीएजी के जो भी हैं वो आपके 2 तारीख से स्टार्ट होने पेपर, 2 दिसंबर से। फिर आपके ये सारे इवनिंग सेशन के हैं। तो ये आप, मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो लिंक है ये आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो जो डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पे है वो सेम यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो, अपने सारे सब्जेक्ट वाइज सारा मिल जाएगा आपका। और मान लीजिए आपको इंडिविजुअली देखना है कि आपको सिर्फ एक ही पेपर का देखना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कोर्स, कोई भी कोर्स कर लेंगे। मान लो हम यही कर लेते हैं BHIE 141। तो इसका यहाँ पे इंडिविजुअली एक पेपर का आ गया है। तो पेपर है 2 दिसंबर को ये पेपर होने वाला है, ठीक है, और इवनिंग सेशन में होगा ये पेपर। अब मैं एक और चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। मान लो 143 का कर लेते हैं हम, तो 143 का भी ये आपको 16 को पेपर है आपका, 16 दिसंबर को होने वाला है और इवनिंग में ही है, ठीक है। तो इस तरह से तुम इजीली अपना कोर्स वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी अपनी डेट शीट चेक कर सकते हो, क्योंकि पेजेस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी डेट शीट है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें, आई नो। तो कई बार नहीं भी ढूंढा जाता है, मैं भी कई बार ट्राई करती हूँ तो सारे कोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो तुम लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम तो है ही। तो मैं ये लिंक दे दूँगी, इस लिंक पर जाके अपनी डेट शीट चेक कर लेना। और रही बात असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, जाके चेक कर लेना। और कुछ मैंने हैंड रिटन असाइनमेंट्स की भी वीडियो डाली हुई है, तो आप लोग वो वीडियो देखो, और वीडियो के देख के साथ साथ आप उस अपना असाइनमेंट बना सकते हो, उसमें के लिए कोई चार्जेस नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ठीक है। और हाँ, प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक प्रैक्टिकल्स की बात है तुम्हारी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने BCA को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, तो फ़िलहाल प्रैक्टिकल्स के लिए अभी कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी प्रैक्टिकल्स की डेट्स जो है वो कंफर्म नहीं हुई हैं। बाकी तुम लोग अपनी, अगर तुम चाहते हो कि प्रैक्टिकल्स की डेट पता करनी हो, तो आप अपनी वेबसाइट पे, जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर चेक करते रहना, टाइम टू टाइम देखते रहना। जैसे ही अपलोड होगी तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। बट फिलहाल प्रैक्टिकल्स के लिए अभी कोई डेट मेंशन नहीं हुई है यहाँ पर, सिर्फ थ्योरी की डेट शीट जो है वो इग्नू ने जारी कर दी है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।